दोस्तों, क्या आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जो कि सस्ता भी हो और उसमें आपको ज्यादा रैम, ज्यादा स्टोरेज और बड़ी बैटरी मिले, तो आज की ये वीडियो आपके काम की है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ इन्फिनिक्स स्मार्ट सीरीज का एक सस्ता बजट रेंज में मिलने वाला स्मार्टफोन, जिसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। 128 GB का स्टोरेज, 7 GB रैम और 6000 mAh की बिग बैटरी आपको इसमें मिल जाती है और इसका नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7। तो आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं इसके बेसिक फीचर्स, लुक डिजाइन, कैमरा पर, देखते हैं कैसा रहता है ये स्मार्टफोन आपके लिए। तो दोस्तों, ये दो वेरिएंट में आपको मिलता है, आप इसे फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। 4GB 64GB वेरिएंट मिलेगा आपको 6699 रुपए का। लेकिन वहीं पर देखो दोस्तों, थोड़ा ध्यान दिया जाए तो 4GB 128GB वेरिएंट आपको मिल रहा है मात्र 6599 रुपए का। वैसे दोस्तों, बिग बिलियन डे सेल में ये स्मार्टफोन 6000 रुपए का था, लेकिन अभी प्राइस थोड़ा सा ऊपर हो गया है। वैसे दोस्तों, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है तो 10% डिस्काउंट उसमें आपको मिल सकता है और ये सस्ता मिल जाएगा आपको। और भी ग्रीन कलर का ये बॉक्स है, ब्लैक फॉन्ट में सारी डिटेल्स मेंशन मिलती है, यहाँ पर स्टोरेज रैम सब कुछ मेंशन किया हुआ है, बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स भी मेंशन किए गए हैं दोस्तों, तो जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो चलिए फटाफट से बॉक्स को हम ओपन करते हैं, तब तक आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बॉक्स हमने ओपन कर लिया है, जैसे ही बॉक्स ओपन होता है तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ नजर आता है। इसे तो रखते हैं फिलहाल साइड में और अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो एक व्हाइट कलर का चार्जर अडाप्टर दिया गया है, ये 10W का है दोस्तों, 5V 2A की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है और प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा सही चार्जर यहाँ पर दिया गया है। बाकी टाइप ए टू टाइप सी USB केबल आपको इसमें मिल जाती है, लेंथ और क्वालिटी भी आपको एवरेज ही मिलती है केबल की। क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और सिम इजेक्टर पिन के साथ आपको फोन को सेफ्टी देने के लिए दिया गया है। एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट TPU केस, कवर आपको हार्ड मिलता है दोस्तों इसका, लेकिन ये कवर काफी जल्दी कॉर्नर से टूटने लग जाते हैं। चलिए अब स्मार्टफोन को इस रैपर से आजाद कर लेते हैं और ये निकल के आ गया हमारा स्मार्टफोन, जिसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जिस पर आपको मिलेगी ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ आपको इसमें मिल जाता है। इन एंड फील स्मार्टफोन हाथ में थोड़ा भारी आपको फील हो सकता है, लेकिन कंफर्टेबल है, आप अच्छे से हाथ में इसे कैरी भी कर सकते हैं। बैक पैनल दिखाते हैं आपको, तो प्लास्टिक बॉडी मिलती है, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिया गया है, जहां पर आपको आड़ी तिरछी लाइनें देखने को मिलेंगी, कुछ इस टाइप का यहां पर डिजाइन दिया गया है। तो ये लाइनें फील हो रही है हाथ में, तो इन पर स्क्रैचेस कम आएंगे, ऊपर से ग्रिप भी अच्छी बन जाएगी। नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है और बैक पैनल पर हल्का फुल्का लाइट का रिफ्लेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल इसका काफी कमाल का मिल जाता है दोस्तों, दो बड़े बड़े साइज के बराबर लेंस आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें मेन कैमरा है 13 MP का और 0.03 MP का आपको एक डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है और कैमरा मॉड्यूल पर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी अटैच्ड मिल जाता है। फ्रंट में जो ड्रॉप नॉच है, इसके अंदर ओनली 5 MP सेल्फी कैमरा आपको मिलता है। चारों कॉर्नर इसके आपको राउंडेड मिलेंगे और बीच में बिल्कुल फ्लैट, राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल को हमने बूट कर लिया है, सबसे पहले तो इसकी जो ब्राइटनेस है इसे हम 100% कर लेते हैं, ताकि हमारी जो डिस्प्ले है वो अच्छे से हमें नजर आ जाए। तो 500 nits तक की पीक ब्राइटनेस आपको इसमें मिल जाती है, तो आउटडोर यूज करने में भी इजी रहेगा। मोबाइल के एज और बेजल्स कॉर्नर और ऊपर से पतले हैं, नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर आइकन दिख रहे होंगे, स्क्रॉल अप करते ही सारे एप्लीकेशन भी नजर आ जाती है, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन और ब्लोटवेयर एप्लीकेशन काफी सारी फोन में मौजूद मिल जाती है। हालांकि अनवांटेड एप्लीकेशन को फोन से रिमूव भी कर सकते हैं और जो ब्लोटवेयर एप्लीकेशन है उन्हें आप डिसेबल कर सकते हैं। 60Hz का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है, टच स्मूथ फील हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड भी अच्छी आपको मिल जाती है। इसमें आपको मिलती है 6.6 inch की HD+IPS LCD, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1612 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 267 PPI की आपको इसमें दी गई है। 164.2 mm इसकी हाइट है, 75.6 mm विड्थ और थिकनेस है 9.3 mm की। मोटा है काफी ये स्मार्टफोन, 207 ग्राम का है दोस्तों और इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी लगी हुई है। और आप इसकी सेटिंग को ओपन कर लेते हैं, सेटिंग का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपके सामने खुलता है, जहां पर आपको सारे के सारे ऑप्शन
नजर आएंगे। माई फोन सिम एंड नेटवर्क सेटिंग, वाईफाई, हॉटस्पॉट एंड थ्रेडिंग, मोड कनेक्शन, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, थीम्स एंड लॉक स्क्रीन, साउंड एंड वाइब्रेशन। स्टोरेज को ओपन करें तो दोस्तों यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितना स्टोरेज हमें दिया गया है। तो 128 GB स्टोरेज में से लगभग 18 GB करीब आपको स्टोरेज यूज्ड मिलेगा इसका, बाकी आपके लिए फ्री छोड़ दिया है दोस्तों। और जो 94 MB और मात्र 94 MB स्टोरेज लिया हुआ है प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन ने, और बाकी का सारा स्टोरेज सिस्टम ने लिया हुआ है। तो काफी सारा स्टोरेज फोन में आपको मौजूद मिल जाता है यूज के लिए। बाकी तो 2 TB तक आप एक्सपेंडेबल मेमोरी इसकी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन सेंटर, ऐप मैनेजमेंट में आप ऐप को कंट्रोल कर सकते हो, जिसको डिसेबल करना हो या फिर किसी को अनइंस्टॉल करना हो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। प्राइवेसी, लोकेशन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आप फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और ये सब लॉक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं सबसे ऊपर माय फोन के अंदर। तो माय फोन में आपको फोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। XOS आपको इसमें दिया गया है जिसका वर्जन है 12.0.0। डिवाइस नेम, मॉडल नेम यहाँ पर मेंशन है। एंड्रॉयड 12 के साथ आता है ये स्मार्टफोन, जिसमें आपको 1.6 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर और चिपसेट यूनिसोक SC9863A का दिया गया है दोस्तों, जो बेस्ड है 28 nm के फैब्रिकेशन पर, और ग्राफिक पावर VR G8320 के आपको इसमें मिल जाते हैं। नीचे रैम देखिए, 4 GB रैम आपको इसमें मिलती है और 3 GB वर्चुअल रैम। और रैम पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर खुल जाता है मैम फ्यूजन, इसे ऑन कीजिए और इसके बाद सेट वर्चुअल रैम में जाके आप 3 GB तक रैम को और बढ़ा सकते हो। छोटी सी नजर इसके कैमरा पर डालते हैं, देखते हैं कैमरा क्वालिटी इसकी कैसी निकल के आती है। तो ये हमने नॉर्मल मोड में कैमरा ओपन कर दिया है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको एक डिसेंट कैमरा इसमें मिल जाता है काफी अच्छी क्लैरिटी के साथ। प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा बढ़िया क्लैरिटी है। ओनली 4x जूम सपोर्ट आपको इसके कैमरा से मिलता है और जूम क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। तो कैमरा अपने प्राइस के हिसाब से सही बैठता है इसमें। बाकी वीडियो मोड में चेक करें तो आप इससे वीडियो शूट कर पाओगे 1080p में 30 fps और 720p में 30 fps और 480p में 30 fps। बाकी दोस्तों AI कैम, ब्यूटी मोड और पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है, बैकग्राउंड ब्लर, ऑब्जेक्ट क्लियर आएगा, पैनोरमा मोड भी आपको इसमें मिल जाता है, यही सब कुछ दिया गया है। बाकी टाइम लैप्स और स्लो मोशन आपको इसमें नहीं मिलेंगे। और दोस्तों फ्रंट सेल्फी कैमरा देखते हैं इसका, जो है 5 MP का, और सेल्फी कैमरा भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। वीडियो कॉलिंग करनी हो या फिर थोड़ी बहुत सेल्फी लेनी हो तो आपको एक अच्छा सेल्फी कैमरा इसका मिल जाता है, हालांकि ओनली 5 MP का है और इसमें आपको 2x तक का जूम सपोर्ट भी मिल जाता है। यही नहीं दोस्तों, एक फ्रंट में आपको LED फ्लैश लाइट भी मिल जाती है, कभी अंधेरे में फोटो लेनी हो तो आप LED फ्लैश लाइट का यूज भी कर सकते हो। मुझे स्मार्टफोन प्राइस के हिसाब से बढ़िया लगा, लेकिन अब बात आती है हमें स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल यूज के लिए बना हुआ स्मार्टफोन है दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हो और ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करते हो तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बढ़िया रहेगा, और अगर आप अपने पेरेंट्स को देते हो, जैसे कि अभी हमारे पेरेंट्स सब फीचर्स फोन से शिफ्ट हो रहे हैं स्मार्टफोन की तरफ, उन्हें भी अब गूगल पे, फोन पे जैसी एप्लीकेशन चलानी है, यूट्यूब पे उन्हें भी न्यूज और वीडियोज देखने हैं दोस्तों, तो उनके लिए ये स्मार्टफोन बहुत बढ़िया है। या फिर आप थोड़ा बहुत वर्क करते हो और आपको स्टोरेज फोन में ज्यादा चाहिए, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हुआ, फोटोज हुए, वो कलेक्ट करने हैं आपने फोन में और सेव रखने हैं, तो यहाँ स्टोरेज की भरपूर मात्रा मिल जाती है। और आप ऐसी जगह हो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइट बहुत कम रहती है और आपको चाहिए कि 2 दिन मेरा मोबाइल बैटरी खींच ले बस, उसके बाद मैं चार्ज कर लूंगा, तो उसके लिए भी ये सही है। 6000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाती है, बड़ी डिस्प्ले आपको इसमें दी गई है, बाकी रैम भी आपको सही मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से 6500 rupees में खरीद लेना चाहिए दोस्तों नॉर्मल यूज के लिए। अगर गेमिंग करते हो दोस्तों, फ्री फायर, BGMI जैसा गेम खेलते हो, तो हालांकि चला तो लोगे जुगाड़ करके आप, लेकिन दोस्तों मजा नहीं आएगा, फोन हीट करेगा दोस्तों और ऊपर से गेम आपका काफी ज्यादा लैग करेगा। इसीलिए दोस्तों गेमिंग के लिए तो मत परचेज करना, नॉर्मल यूज के लिए बढ़िया स्मार्टफोन आपको मिल जाता है।